स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग टिक्स ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए प्रश्नावली 16.4 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 16.3 तक को कंप्लीट किया है, तो वो सारे वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया है वहाँ से जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन हमें ज्ञात करना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गोले की त्रिज्या जो है हमें दे रखी है, गोले की त्रिज्या जिसको हम कहेंगे R, वो दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें इसके अंदर पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन जो है हमें ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हम पहले ज्ञात करेंगे, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला होता है 4πr2। तो वैल्यूज रखें, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और 1.4 × 1.4। अब जो है आर स्क्वायर है इसलिए हमने 1.4 को 2 टाइम्स लिखा है। अब हम यहाँ पे पॉइंट हटा के अपॉन में 10 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी पॉइंट हटा के अपॉन में 10 लिख सकते हैं, और 7 से कट जाएगा ये 14, 2 टाइम्स 7 × 14। अब जो है हमारे पास संख्या बची है ऊपर 4 × 22 × 2 × 14, और अपॉन में हमारे पास 10 × 10, ये हो जाएगा 100। ये 100 इसलिए रखा है ताकि हम दो के बाद संख्याओं के पीछे पॉइंट लगा सकें। अब देखें आगे, इन सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर 4 × 22 × 2 × 14 जो संख्या हमारे पास आएगी वो आएगी 2464। अब जो है अपॉन में हम लगाएंगे 100, यानी कि ये हो जाएगा 24.64। क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए हम लिखेंगे इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देखें सेकंड जो इसी के अंदर पूछा है इसका आयतन, तो गोले के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3πr³। अब हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा, तो 4/3, पाई की वैल्यू है 22/7। अब यहाँ पे हमें इसे 3 टाइम लिखना होगा, 1.4 × 1.4 × 1.4, क्योंकि यहाँ पे इसे क्यूब में दिया गया है। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट हटा के अपॉन में 10 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट हटा के अपॉन में 10, यहाँ से भी पॉइंट हटा के अपॉन में 10, यहाँ से भी पॉइंट हटा के अपॉन में 10, और ये 7 से कट जाएगा 14, 2 टाइम्स। अब जो है कोई संख्या अब इस 2 से हम काट देते हैं इस 10 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब जो है हमारे पास ऊपर जो संख्या बची इस बार एक बार फिर से लिख लेते हैं, 4 × 22 × 14 × 14, अपॉन में है हमारे पास 3 × 5 × 10 × 10 × 10। अब जो है हमें इसे आगे सॉल्व करना होगा, तो ऊपर वाली संख्याएं सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है संख्या आ जाएगी 17284 17248, और ये 3 × 5 = 15, और 2 0 पीछे लगाएंगे, 15 को 100 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1500। अब जो है 17248 में 1500 का भाग देने पर यानी 17248 में 1500 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा 11.49 आएगा, और इस 11.49 को जो है 11.5 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि ये आयतन है इसलिए हमें इसे जो है सेंटीमीटर क्यूब में लिखना होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी गोले का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, यानी गोले का सरफेस एरिया जो है यहाँ पे दे रखा है, और गोले का आयतन जो है हमें इस क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप सभी जानते हैं गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और यदि आपको फॉर्मूले देखने हैं इनके तो प्लेलिस्ट में जाके आप, मैंने फॉर्मूलों के भी 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें इसका आयतन जो है गोले का आयतन हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है। तो गोले का आयतन जो है फाइंड करना, तो हम जानते हैं गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि इसकी वैल्यू दे रखी है 616, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr², और ये किसके बराबर हो जाएगा 616
16 है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 का 4, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर इक्वल टू 616 यानी 616। अब जो है हमें आर फाइंड करना है, क्योंकि हम जब तक आर फाइंड नहीं करेंगे हम गोले का आयतन फाइंड नहीं कर सकते। तो आर को हम इसी तरफ रखेंगे, बाकी सारी संख्याओं को हम समीकरण बराबर इक्वेशन की दूसरी तरफ भेज देंगे। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 616 अपॉन का 7 आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और 4 इंटू 22 आ जाएंगे अपॉन के अंदर। अब जो है हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको काट सकते हैं 11 से। ध्यान से देखेंगे, 11 दूना 22, और यहाँ पे देखें 11 पंजे 55। अब जो है 61 में से 55 माइनस करूँगा मैं तो 6 बचते हैं, तो यानी यहाँ पे हो गया 66। तो 11 छंग 66, ये हो गया 56। अब 56 को मैं काट सकता हूँ 4 से काट दें, तो ये देखें 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 चौक 16, ये 14 टाइम ये कट गया, और 2 से 14 कट जाएगा 7 टाइम, यानी हमारे पास ऊपर जो संख्या बची वो बच गई है 7 इंटू 7। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो है 7 इंटू 7, तो आर हो जाएगा √49। तो 7 7 जा 49, और स्क्वायर हट के यहाँ पे आ जाएगा वर्गमूल, और 49 आप जानते हैं किसका है, 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 तो 7 ही गुण 50। तो आर की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई 7 सेंटीमीटर। अब देखें, अब हमसे पूछा गया है गोले का आयतन, तो मैं यहाँ पे आयतन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, वेरी सिंपल। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला जो कि होता है 4/3 πr³। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला लगा के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3, 22/7, और 7 × 7 × 7, 3 बार हमें इसे लिखना होगा, क्योंकि आयतन में जो है आर क्यूब होता है। अब देखें कौन सी संख्या कट सकती है यहाँ पे, तो ये 7 से 7 कट सकती है, और कोई संख्या यहाँ पे नहीं कट रही है, तो फिर से हमें इसे लिखना होगा। ऊपर हमारे पास संख्या है 4 × 22 × 7 × 7 अपॉन में है हमारे पास 3। अब देखें ऊपर वाली सारी संख्याओं का गुणा करने पर जो है हमारे पास आ जाएगा 43/12, और अपॉन में हमें इसे भाग देना होगा 3 का, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1437.33, क्योंकि आयतन है तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। आप लोग वापस जो है प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, तो आप लोग खुद जो है इसको सॉल्व करके पूरा कंप्लीट लास्ट तक इसका आंसर जरूर निकालें। तो फॉर्मूला यदि आप लोगों को याद होगा तो आप 16वीं प्रश्नावली जो कि 6 नंबर की है उसमें आसानी से नंबर ला पाएंगे। अब देख लेते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है एक अर्ध गोले की त्रिज्या, तो यहाँ पे हेमिस्फीयर की रेडियस दे रखी है जो कि है 4.5 सेंटीमीटर, और इसके अंदर जो पूछा गया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो है इसके अंदर पूछा गया है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड किस तरीके से सॉल्व होगा। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखें यहाँ पे अर्धगोला जो है आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके अर्धगोला, और इसकी रेडियस जो है वो दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ अर्धगोले की आर, क्योंकि आर हम रेडियस को लिखते हैं, अर्धगोले की त्रिज्या लिख के फिर आप लिख सकते हैं आर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब पूछा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसका जो फॉर्मूला है अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब हम वैल्यूज रखेंगे इसके अंदर, 3 × π की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है 4.5 × 4.5, तो पॉइंट हटा के हम अपॉन में 10 ला सकते हैं। तो देखें किस तरीके से, तो यहाँ से भी पॉइंट हटा के अपॉन में 10, यहाँ से भी पॉइंट हटा के अपॉन में 10 आ गया। अब हम काट सकते हैं इन दोनों संख्याओं को, देखें 5 से कट सकता है 45 और 10 दोनों, तो 5 × 10, 5 9 45, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, तो ये इस तरीके से हम इसे काट सकते हैं। अब आगे जो है इस 2 से ये 22 कट जाएगा 11 टाइम, और कोई संख्या जो है यहाँ पे नहीं कट रही है, तो हमारे पास ऊपर जो संख्या बची वो है हमारे पास 3 × 11 × 9 × 9, और अपॉन में जो हमारे पास संख्याएं बची वो है 7 × 2। तो ऊपर की सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2673,
2673 और अपॉन में 7 2 14, तो 2673 में 14 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 190.92, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो हम इसे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें इसी के अंदर पूछा है आयतन भी, तो अर्ध गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है और अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3 πr³। तो ये मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से शॉर्ट में इनको सिखाया है सारे फॉर्मूलों को, तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक में जाके ये क्षेत्रमिति के फॉर्मूले जरूर देख सकते हैं। तो उसमें बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है अर्ध गोले शंकु बेलन सारे फॉर्मूलों को याद करने का। तो अर्ध गोले का आयतन का फॉर्मूला ये होता है 2/3 πr³। तो वैल्यूज रख लें हम यहाँ पे 2/3 × 22/7 और यहाँ पे क्यूब है तो हमें इसे 3 टाइम लिखना पड़ेगा 4.5 × 4.5 × 4.5। पॉइंट हटा के हम अपॉन में 10 लगा सकते हैं, तो ये पॉइंट हटा के अपॉन में 10, पॉइंट हटा के अपॉन में 10 और पॉइंट हटा के अपॉन में 10 और 45 और 10 को हम 5 से काट सकते हैं, 5 9 ये चला जाएगा 9 बार 5 9 45, 5 2 10, 5 9 45 और 5 2 10, 5 9 45 और 5 2 10। अब ये इस दो से ये दो काट सकते हैं हम और ये दो से हम 22 काट सकते हैं 11 बार। अब कोई संख्या जो है और कट रही हो तो इस 3 को हम काट सकते हैं 9 से 3 टाइम। अब जो है हमारे पास संख्या बची वो ऊपर तो हमारे पास बच गया 11 × 3 × 9 × 9 और अपॉन में हमारे पास बच गया 7 × 2। तो देखें काफ़ी इंटरेस्टिंग, जो ऊपर पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी हमारे पास आप देखें क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं 3 × 11 × 9 × 9 अपॉन में 7 × 2, तो वही संख्या आई है। तो यहाँ पे भी वही आएगा 2673 upon 14, तो यहाँ पे भी इसका आंसर भी आएगा 190.92। अब यहाँ पे आप लोगों को जो ध्यान देने वाली बात ये है, क्योंकि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो हम लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और क्योंकि ये आयतन है तो हम यहाँ पे लगाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 को आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगाएं और ऐसा ही ये क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम इसी क्वेश्चन का जो है रिवर्स क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे सॉल्व करना। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक गोले का आयतन 38,000, आप देख सकते हैं एक गोले का आयतन 38,808 cm³ है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। जो मैंने इसमें रेड मार्कर से इसको टिक किया है इसको आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए, ये जो क्वेश्चन है इस बार आप लोगों के बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखें किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसे इंपॉर्टेंट लगा के आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको आप इंपॉर्टेंट लगाएं बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए। अब यहाँ पे दिया गया है गोले का आयतन, यानी हमें गोले का आयतन जो कि है दे रखा है, गोले का आयतन हमें दे रखा है 38,808 जो कि है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, किसके अंदर दे रखा है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमें ये दे रखा है। अब जो है हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना, तो हम जानते हैं गोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 πr³ और ये इसके बराबर हो जाएगा 38,808 के। अब देखें सिर्फ r को हम इधर रखेंगे बाकी सारी संख्याओं को हम दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 π का मान 22/7 × r³, ये हो जाएगा 38,808 के बराबर। अब देखें सिर्फ आर क्यूब को हमें इधर रखना है बाकी ये हो जाएगा 38,808, 4/3 × 7 ऊपर आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में 3 × 7 और ऊपर जो 4 × 22 है वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर अपॉन में। अब हम इन संख्याओं को काट सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे जहाँ पे भी आपको 22 11 नज़र आए वो संख्या ज़्यादातर 11 की टेबल से काटी जा सकती है। तो देखो यहाँ पे 22 है तो इसको मैं 11 से काटने की कोशिश करता हूँ, तो 11 × 2 = 22, यहाँ पे देखें 11 3 = 33। अब देखो 5 बच गए तो 5 मैं इसके आगे भेजता हूँ तो 58 होता है, तो ये हो जाएगा 11 5 55। अब भी 3 रिमेनिंग है तो ये 30 हो गया, यानी 30 में 11 का भाग देंगे तो 11 × 2 = 22, 8 बच गए 11 8 88, तो ये हो गया 3528 बार ये कट गया 11 से।
अब फिर से मैं इसको काट सकता हूँ चार से। अब देखें चार से काटें तो चारों अट्ठे 32, तीन बच गए, फिर से चारों अट्ठे 32 और 8 है तो 4 × 8, तो ये कट गया 882 का। अब इस 882 को मैं फिर दो से काट सकता हूँ, तो ये दो से काटे तो 4 × 2 = 8, 2 × 8 और 2 × 1 = 2, यानी फाइनल जो है 441 बार ये संख्या 38,808 कट गई। अब देखें एक बार फिर से उतारें, ये संख्या बची हमारे पास 441 × 3 × 7, और कोई संख्या यहाँ पे नहीं है, और इन सारी संख्याओं का गुणा करने पर जो है हमारे पास आ जाएगा 9,261। तो ये 9,261 जो है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो इसको हम सामने भेजेंगे तो ये लगेगा यहाँ पे घनमूल, 9,261 घनमूल किसका है। तो देखें वर्गमूल में हम तीन तीन के जोड़े बना के सॉल्व करते हैं, और घनमूल में हमें जो है वर्गमूल में हम दो दो के जोड़े बनाते हैं और घनमूल में हमें तीन तीन के जोड़े बना के इसे सॉल्व करना होता है। तो ये 9,261 जो है 21 का जो है घनमूल है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके भी बता देता हूँ किस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में अगर आ जाए तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 9,261 देखें दो की टेबल्स में भाग जाएगा नहीं, जोड़ के देखें 6 और 1 = 7 और 2 = 9 और 9 × 9 = 18, यानी तीन तीन का भाग इसमें जा सकता है। तो देखें 3 × 9 भाग पूरी पूरी बार गया इसलिए 0, 3 × 8 = 24, 2 बच गए, 3 × 7 = 21। अब फिर से जो है 8 और 7 = 15 और 3 = 18, यानी अब भी तीन की टेबल में 3 का डिवाइड किया जा सकता है। तो 3 × 3 = 3, 0 का 0, 3 × 2 = 6, 2 बच गए, 3 × 9 = 27, ये हो गया 3 बार। फिर से अब देखें 9 और 2 = 11 और 1 = 12, यानी अब भी इसमें 3 का भाग जा सकता है। तो फिर से 3 का भाग दे, 3 × 9 1 बच गया, यहाँ पे 12 हो गए, 3 × 12 और 3 × 9 343 में दोस्तों जाता है 7 का, क्योंकि 343 7 का घन होता है। अगर आप घन सीखना चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके वीडियो देख सकते हैं, घन का भी वीडियो अपलोड कर रखा है और वर्ग का भी। तो 7 का डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये चला जाएगा 7 × 28 और यहाँ पे बच गए 6 × 7 = 63, फिर से 7 का जाएगा 7 × 7 = 49 और 7 × 1 = 7, यानी एक जोड़ा बन गया 3 का और एक जोड़ा बन गया 7 का। तो 3 × 7 जो होता है 21। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लूँ R की वैल्यू आ गई हमारे पास 21। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में अगर घनमूल का कोई क्वेश्चन आता है तो R का मान आ गया हमारे पास 21। आगे जो पूछा है इसका आयतन, तो आयतन के लिए हमें क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें फॉर्मूला लगाना होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 4πr², तो इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 × 22/7 × 21 × 21, ये 7 से 21 काटा जा सकता है 3 times, 7 × 3 = 21। अब इन ऊपर की संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 22 × 21 × 3, तो इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर जो है हमारे पास आ जाएगा 5544, जो कि हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें अब ये जो क्वेश्चन था फॉर, इसके अंदर 38,808 सेंटीमीटर क्यूब तो पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल आया 5544। अगर आप बुक में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में पृष्ठ क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर देखा दिया गया है और आयतन पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा वो आएगा 38,808। तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा के कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करें होमवर्क के अंदर, अगर आपसे नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि एक बेलन शीशे का बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं, एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर व ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, तो इसके लिए आप डायग्राम बना के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, एक बेलन शीशे का बना हो, तो यहाँ पे मैं बेलन बना सकता हूँ कुछ इस तरीके से, बेलनाकार आकृति जो कि शीशे की बना हुआ बेलन है, ठीक है। अब देखें इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या जो है आर जो है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर और जो है इसकी ऊंचाई यानी एच दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 सेंटीमीटर। फिर कहा गया है कि इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाएंगे, तो पिघलाएंगे और हमें गोले बनाने हैं और गोले की त्रिज्या जो है
वो रखनी है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। तो गोले की आर जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर। तो आप इसे फटाफट लिख सकते हैं, बेलन की आर 4 सेंटीमीटर, बेलन की एच ऊंचाई जो कि दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये है गोले की त्रिज्या जिसे हम आर कहते हैं, ये हो गई, हमने लिख दिया इसको पहले ही 2 सेंटीमीटर। अब देखें, जब भी पिघलाने की बात करेंगे तो मैंने पहले भी इससे पहले 16.3 में भी कहा था कि हमें आयतन का फॉर्मूला लगाना होता है, तो यहाँ पे हमें गोलियों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे हम गोलियों की संख्या जो है निकाल सकते हैं यदि हम बेलन के आयतन में एक गोले के आयतन का भाग दे दें। तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, गोलियों की संख्या बराबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में एक गोले, अपॉन में हम लिख सकते हैं गोले का आयतन, अपॉन में हम लिखेंगे गोले का आयतन। अब जो है हमें इन दोनों के फॉर्मूले लगाने होंगे तब हम गोलियों की संख्या जो है हमें प्राप्त हो जाएगी। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो है हमें सारी वैल्यूज रखनी होगी, तो यहाँ पे आप जो है पाई से पाई को काट सकते हैं, तो इस पाई से इस पाई को काटा जा सकता है। अब जो रिमेनिंग संख्याएं हैं उन्हें देख लेते हैं। तो बेलन की आर जो है वो है 4 × 4, बेलन की एच है 10, और अपॉन में हो जाएगा 4/3, और गोले की आर जो है वो है 2 × 2 × 2। अब जो संख्या कट रही है हम उन्हें काट सकते हैं, तो देखें कौन कौन सी संख्याओं को यहाँ पे काटा जा सकता है। तो सबसे पहले तो देखें आप 4 से 4 को काट सकते हैं, ये देखें 4 से 4 को काटा जा सकता है, इस 2 को 4 से काटेंगे हम 2 बार और ये 2 से 2 कट जाएगा, और 2 से 10 काट लेंगे हम 5 बार। अब ये जो अपॉन का 3 है जो 4/3 बटे में नीचे है ये चला जाएगा ऊपर गुणा में, तो नेक्स्ट में हम इसको लिख सकते हैं 5 × 3, यानी गोलियों की संख्या जो आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 15 गोलियां। तो इस क्वेश्चन को भी आप इम्पोर्टेंट लगा दें, बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए ये भी आ सकता है। तो मैंने अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 को RBSE 2020 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बताया है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके अंदर क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है एक खोखला गोलीय सेल जिसको गोलीय कोष भी कहते हैं, गोलीय सेल या गोलीय कोष भी कहा जाता है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर मोटा है, इसकी बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो इसमें लगी धातु का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो देखें कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखें हमारे पास है खोखले गोलीय सेल की बाहरी त्रिज्या हमें पता है, बाहरी त्रिज्या को हम लिख सकते हैं R1 जो कि है 8 सेंटीमीटर, और मोटाई जो है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सेल की मोटाई जो है वो है 2 सेंटीमीटर जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो आंतरिक जो त्रिज्या हो जाएगी वो माइनस हो जाएगी 8 में से 2, तो आंतरिक त्रिज्या इसको हम लिख सकते हैं R2, ये हो जाएगी 8 - 2, 8 में से 2 जो हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी R2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। अब जो है हमें आयतन ज्ञात करना है गोलीय कोष का, तो खोखले गोले का जो आयतन का फॉर्मूला होता है तो वो हो जाएगा, आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा खोखले गोले का वो होता है 4/3 πr1³ - r2³। कुछ इस फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब वैल्यूज रखें 4/3, पाई का मान होता है 22/7, r1 जो है वो है हमारे पास 8³, r2 जो है वो है 6³। तो आप देख सकते हैं 4/3 × 22/7, 8³ होता है 512 और 6³ होता है 216। तो आप ये क्यूब अगर आप लोगों को याद करने हैं 20 तक तो आप मेरे वीडियो में जाके उसे याद कर सकते हैं। अब देखें माइनस करेंगे हम इसे 4/3 × 22/7, 512 में से 216 घटाने पर हमारे पास आएगा 296। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो संख्या जो है कोई अगर कट रही है तो कोई संख्या जो है यहाँ पे नहीं कट रही, तो ऊपर की सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 26048 और अपॉन में आ जाएगा
3 7 21 7 या 21। अब हमें इसमें भाग देने पर जो आएगा वो आएगा 1240.38। देखें दोस्तों, आप लोगों के एग्ज़ाम जो है बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट इसको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि प्रश्नावली 16.4 के मैंने लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रश्नावली 16.4 तक मैं कम्प्लीट इसको सॉल्व कर दूँ। और दूसरी जो एक्सरसाइज है उनमें से मैं वही क्वेश्चन बताऊँगा जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखें, इसी क्रम में हमने एक्सरसाइज 2.2, 2.3, 5.2, 5.3, इसके अलावा हमने और भी एक्सरसाइज की है, तो वो सारे वीडियो आप जाके लिंक में जाके देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि आयतन है तो हम इसे लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये हो गया आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 6। अब जो है आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, आप पढ़ पाएंगे। देखें आप इसे, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु, तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप इम्पोर्टेंट लगा लें। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों क्वेश्चन मैंने बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए इम्पोर्टेंट बताए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघला कर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या व 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, आज का लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, ये भी आप इम्पोर्टेंट लगाएं, क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो है दो चीज़ें हैं, हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं। पहले तो इसमें कहा गया है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को, तो एक धातु का गोला है कुछ इस तरीके से, जिसकी त्रिज्या जो है आर जो है वो है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गोले की आर, धातु के गोले की आर त्रिज्या जो कि है 9 सेंटीमीटर। पिघला कर हमें शंकु बनाना है, कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो शंकु जो बनेगा ये कुछ इस तरीके से, शंकु यहाँ पे हम बना रहे हैं, और शंकु की आर दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो आर और एच दे रखा है। तो शंकु की आर तो होगी 3 सेंटीमीटर और शंकु की एच जो है हमें क्वेश्चन में बता रखी है वो है 6 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन जो है शंकुओं की संख्या हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है, शंकुओं की संख्या जो है इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करनी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगाएं। अब देखें किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो वही तरीका रहेगा इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शंकुओं की संख्या बराबर, ये आपको फॉर्मूला जरूर लगाना होगा। देखें गोले का आयतन बटा शंकु का आयतन, तो यहाँ पे मैं लिख दूं गोले का आयतन अपॉन एक शंकु का आयतन, यानी एक गोले के आयतन में शंकु का आयतन का भाग देंगे तो हमें शंकुओं की संख्या पता चल जाएगी, क्योंकि गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, और शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h। अब जो है सारे मान जो है हमें इस यहाँ पे रखने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ वैल्यूज 4/3, देखे पाई से पाई काट सकते हैं हम, क्योंकि अपॉन में ये पाई से पाई हम यहाँ पे काट देते हैं। अब आप लोगों को जो चीज़ ध्यान रखनी है वो आर जो है गोले की आर गोले में लिखनी है, शंकु की आर शंकु में लिखनी है। कई बार जल्दबाजी में अगर आर आपने गलत लिख दी तो आपका क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाएगा। 4/3 तो गोले की आर 9 है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम हमें इसे लिखना होगा 9 × 9 × 9, और अपॉन में जो है शंकु में हम इसे लिखेंगे 1/3 r², तो शंकु के आर है 3 × 3 × h है 6। अब जो संख्याएं कट रही है हम उन्हें काट देते हैं पहले ही, तो ये 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, और ये 3 से 3 कट आउट हो गया। अब जो हमारे पास संख्या बची उन्हें वापस से उतारना पड़ेगा 4 × 3 × 9 × 9, और यहाँ पे जो है हमारे पास संख्या बची अपॉन में 3 × 6, और कोई संख्या जो है हमारे पास नहीं बची। तो सबसे पहले हम 3 से 3 को काट दें, ये 3 से 3 कट जाएगा, 6 को 2 से काटें या 3 से काट दें, 3 × 6, और यहाँ पे इसको काट दें 3 × 9, और इस 2 को काट दें 4 से 2 × 4। अब जो है हमारे पास संख्या बच गई फाइनली, वो बच गई 2 × 9 × 3,
यानी 2 × 9 × 3, तो इन तीनों को गुणा कर दे, 2 × 9 = 18, 18 × 3 = 54, तो हमारे पास गोलियों की संख्या जो है वो आ जाएगी 54 गोलियां। तो ये हो गया। अब देखें, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट लगा दें, बोर्ड परीक्षा RBSE 2020 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस क्वेश्चन को भी आप लगा सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 16.4 लगभग हमारी कंप्लीट होने वाली है, इसके पीछे के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा, और इसके साथ साथ मैं दूसरी प्रश्नावलियों के भी काफ़ी क्वेश्चन जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।